और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम मल्टीलाइन एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले तो यूनिट सेट करें, तो मेरे पास यूनिट सेट है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें 10 फीट की और देखें कितनी छोटी लाइन है, तो आप इसको जूम करके नजदीक कर लो, तो पता चल जाएगा कि अगर आपने इसकी जो है तो इसका स्केल सेट नहीं किया हो, तो आप यहां से स्केल लाइन की मदद से आप इसको जूम करके आप सामने ला सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट के दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीलाइन टेक्स्ट के थ्रू आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और एक सिंगल लाइन के थ्रू आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट का फायदा ये होता है कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हर एक चीज को अलग से जो है तो डिनोट करने के लिए आप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि रूम्स आ जाते हैं, रूम्स को आप रूम के नाम से आप डिनोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं, और अगर आप पैराग्राफ की सूरत में ये ज्यादा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो शॉर्ट कमांड है वो टी। अब जस्ट टी एंटर करेंगे, तो टी एंटर करेंगे तो आप बस मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है तो वो उसकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि मैंने जो ही टी एंटर किया, टी एंटर करता हूं, तो मेरे पास यहां पे देखिए कह रहा है कि आप स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करें और लास्ट कॉर्नर कौन से वहां तक क्लिक करें। तो मैं यहां से लेकर यहां तक लिखना चाह रहा हूं, तो मेरे पास यहां पे मल्टीलाइन टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा जो ही आप मल्टीलाइन टेक्स्ट एक्टिव करते हैं, तो आपके पास टेक्स्ट एडिटर, जो कि मल्टीलाइन टेक्स्ट का टेक्स्ट एडिटर, आपका पैनल ओपन हो जाता है, जो कि तकरीबन तमाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो काम करते हैं, वो सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने बुलेट्स नंबर अप्लाई करने, आपने सिंबल्स देने, आपने बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, साइज चेंज करना है, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट पे काम करेंगे, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट जो शॉर्ट कमांड है वो टेक्स्ट, आप पूरा TEXT टाइप करें, तो उससे आप सिंगल लाइन टेक्स्ट आपका सप्लाई हो जाएगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आप स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें और पेपर हाइट, हाइट कितनी होनी चाहिए टेक्स्ट की, तो आप यहां से हाइट दे सकते हैं। तो इसको मैं हाइट दे देता हूं, फॉर एग्जांपल दे देता हूं जी हाइट, इसको मैं 5 इंच हाइट दे देता हूं, एंटर करता हूं। रोटेशन, आपने टेक्स्ट को रोटेट कितना कितना करना है, आप रोटेशन भी यहां पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं रोटेशन 0 ही रखता हूं इसको फिलहाल। तो यहां पे देखें तो मेरे पास एक सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए जगह बन गई, और यहां पे आप लिख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट। अब इसमें मैं एंटर करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एंटर में मेरे पास टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पर सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए इस पर रोटेशन जरा एक ऑप्शन है। और सिंगल लाइन टेक्स्ट में हमेशा याद रखें कि सिंगल लाइन टेक्स्ट में आपके पास टेक्स्ट एडिटर ओपन नहीं होगा, आप इसमें बोल्ड नहीं कर सकते अपने टेक्स्ट को, या इस के लिए जो है तो वापस जो है तो टेक्स्ट एडिटर ओपन नहीं होगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट से ये फायदा है कि जहां जहां आप कर्सर रखेंगे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, जहां जहां आपने क्लिक करना है वहां वहां आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप जो है तो यूज नहीं कर सकते, टेक्स्ट एडिटर यूज नहीं कर सकते। अब हम मल्टी लाइन टेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, और बल्कि सिंगल लाइन टेक्स्ट से आप रोटेशन कैसे दे सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं, तो सबसे पहले स्टार्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें, इसको हाइट दे दे, कितनी हाइट देनी है आपने, मैं इसको हाइट देता हूँ जी 5 इंच हाइट दे दी मैंने इसको 5 इंच। इसको आपने रोटेट कितना करना है, मैं इसको 45 के एंगल पे रोटेट भी करना चाह रहा हूँ, 45 एंटर करता हूँ, तो अब देखिए 45 के एंगल में बस रोटेट हो गया, और जो भी चीज लिखूंगा ये 45 एंगल पे ही लिखी जाएगी, देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जी आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट का काम है, डिलीट करते हैं उसको। अब जब भी आप सिंगल लाइन टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे कि मैं जो ही टेक्स्ट टाइप करता हूँ सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए, और स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें आप, पेपर हाइट पे हाइट दें आप 5 इंच, और अब देखिए तो इसका एंगल हमेशा देखिए कितना है, 45 ही एंगल वो बता रहे हैं, तो आप इस एंगल को जीरो कर दें,
एंटर करें तो आप बिल्कुल स्ट्रेट टेक्स्ट लिखा जाएगा। इसके बाद मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आप मल्टी लाइन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, आप रेंज बनाएं कितने आपने टेक्स्ट देने, आप रेंज बनाएं और उसके अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज ऑटोकैड, ऑटोकैड। इसका साइज कम ज्यादा करेंगे, यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कम करेंगे तो देखिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि इसका एक एरिया इसने दिया हुआ टेक्स्ट लिखने के लिए। आप एंटर करके और भी लिख सकते हैं ऑटोकैड फॉर एग्जांपल, मल्टी लाइन टेक्स्ट में इसका ये भी फायदा है कि इसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देता है, स्पेलिंग चेक करता है, ग्रामर चेक करता है, ये सारी चीजें आपको चेक करके बता देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो ऑटो कैड जो मैंने लिखा है तो यहाँ पे देखिए तो इसने इसको ग्रामर मिस्टेक दी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, आप इस पर राइट क्लिक करके आप देखें तो ऑटो कैड का क्या है, ये सही है तो आप ये देखें सी ए डी कैड जो है कैपिटल लिखा जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए बता रहे। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसमें नॉर्मल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करके नीचे ला सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके आप इस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको स्टाइल चेंज करता हूँ, देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है, अब जो भी स्टाइल देना चाहिए उसको स्टाइल दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप यहां से जो है तो इसका साइज जो है तो 5 इंच रखा हुआ है, इसका साइज में दे तो इसको जी 3 इंच एंटर करता हूं, 3 इंच इसका साइज आ गया, 3 फिट करना चाहे फिट के हिसाब से आप कर सकते हैं, देखिए उसका साइज आपके पास यहां पे कुछ साइज है तो आप यहां पे साइज इसका खुद ही टाइप करेंगे, आप टाइप करेंगे तब आपका साइज यहां पे एक्टिव होगा इसका। इसी तरह मैच प्रॉपर्टीज है, मीन के मैं अगर इसको बोल्ड कर देता हूं ऊपर वाले टेक्स्ट में चाहता हूं नीचे वाला टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाए तो आप मैच कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही बिल्कुल काम करेगा। आप अंडरलाइन कर सकते हैं बोल्ड एक्टिव या बोल्ड के लिए आपने लैंग्वेज वो सिलेक्ट करें जिसमें बोल्ड का ऑप्शन एक्टिव हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे एरियल स्टाइल इस पर एक्टिव कर देता हूँ, एरियल स्टाइल एरियल एंटर करता हूँ तो मेरे पास देखिए बोल्ड का ऑप्शन भी सामने आ गया है, इटैलिक का भी आ गया। आप बोल्ड पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे थोड़ा टेक्स्ट आपका तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे लाइन आ जाएगी, इसके जो है तो आउट लाइन पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर भी लाइन आ जाएगी, सारे ऑप्शन खत्म करने चाहे आप खत्म कर सकते हैं। इस तरह में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x2, ये जो 2 है इसको मैं स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये स्क्वायर बन गया, इससे मैं जो है तो बेस बनाना चाह रहा हूँ, मैं सबस्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट करते हैं सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा। इसे ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी जो है तो आप इसे अपर केस में करना चाह रहे हैं अपर केस आ जाएगा, इसे लोअर केस में करना चाह रहे हैं लोअर केस में आ जाएगा। इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका बाय लेयर कलर इसका चेंज कर सकते हैं, रेड कलर इसको देता हूँ रेड कलर आ जाएगा इस पर, और इसका कोई भी आप कलर दे सकते हैं यहाँ से। क्लियर फॉर्मेटिंग जितनी भी आप फॉर्मेटिंग से रिमूव करना चाह रहे हैं, देखिए रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो इसका स्टाइल होता है वैसा ही आ जाएगा आपके पास। जस्टिफाई में आप इसे बिल्कुल राइट पे करना चाह रहे हैं देखिए राइट पे चला जाएगा, आप इसे सेंटर में करना चाह रहे हैं सेंटर में कर सकते हैं, बॉटम सेंटर करना चाह रहे हैं बॉटम सेंटर कर सकते हैं, तो टॉप लेफ्ट करना चाह रहे हैं टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, आप इसमें बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबर है लेटर आप बुलेट्स देना चाह रहे हैं देखें बुलेट्स दे सकते हैं, देखें लेटर दे सकते हैं, नंबर देना चाह रहे हैं नंबर दे सकते हैं, जैसे कि नंबर में देना चाह रहा हूँ नंबर आ गया। स्टार्ट है कंटिन्यू है, मैंने अगर आपने और भी दिया हुआ है तो आप स्टार्ट शुरू से कर सकते हैं, कंटिन्यू मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 1 2 3 3 के बाद जो है ये 4 आ जाए, एंटर जो ही करेंगे तो 4 आ जाएगा देखें, तो मैं चाहता हूँ नहीं दोबारा जब मैं एंटर करूँ 1 से स्टार्ट हो तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट पे ला सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसने देखा हुआ है उसे आसानी होगी इसे समझने में। लाइन स्पेसिंग, इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहें आप सिलेक्ट करें इसको साफ सुथरा, इनकी लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो लाइन स्पेसिंग बढ़ रही है, देखिए लाइन स्पेसिंग जितनी मर्जी आप बढ़ाना चाहें लाइन स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट करना चाह रहे हैं लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना चाह रहे हैं राइट कर सकते हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं सेंटर कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप जो भी यहाँ पे करना चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3 में करना चाह रहे हैं 4 में करना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई टेक्स्ट इस तरह का लिखा हुआ कि जो 4 का कॉलम में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट ही ऐसा नहीं है कि आपने पैराग्राफ के रूप में कुछ लिखा हुआ तो आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ 2 कॉलम में ही रहने देता हूँ,
बल्कि इसे नो कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, कॉलम्स को कोई भी नहीं दे रहा। कुछ सिंबल आपने ऐड करना है तो आप यहाँ सिंबल ऐड कर सकते हैं, डेल्टा का सिंबल है देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फेज का सिंबल है, तो फ्लो लाइन का सिंबल है, तो काफी सारे यहाँ पे सिंबल है, आप सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह फील्ड है, फील्ड भी क्लिक करें तो इसमें भी देखें कमेंट्स का सेक्शन आ जाता है, अपर केस है, लोअर केस है, फर्स्ट कैपिटल है, टाइटल केस है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई है, आपको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसके कोई भी वर्ड जो डिक्शनरी में ऐड नहीं है, जैसे कि ऑटोकैड जब भी आप इसे ऐड करेंगे तो इसमें रेड एरर लाइन आ जाएगा, तो आप इसे डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं स्पेलिंग चेक ना हो तो आप इसको ऑफ कर दें, स्पेलिंग चेक नहीं होंगे, आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे जब ये ऑन होगा तो देखें स्पेलिंग मिस्टेक ही बता रहे हैं आपको। कोई भी चीज फाइंड और रिप्लेस करनी है, कोई भी चीज फाइंड करनी है फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करनी है रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें और भी कैरेक्टर सेट है, देखें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, आपको ऐड कर सकते हैं। रूलर है, ये जो ऊपर वाला रूलर है इसको ऑफ करना चाह रहे हैं ऑफ कर सकते हैं, देखिए ऑफ हो गया, वापस लाना चाह रहे वापस ला सकते हैं ऊपर वाला रूलर जो है। क्लोज टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए हो जाएगा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसमें दोबारा एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो वापस टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा और इसको दोबारा आप एडिट कर सकते हैं। आप इसको आपने आप देखें आप काफी सारी जगहों पे आपने लिखना है तो आप यहां से इसका साइज एक छोटा कर दें, यहां तक ले आए इसको, और अब आपने यही चीज जो है यही फॉर्मेटिंग जो है तो और भी जगहों पे अप्लाई करनी है, तो उसका शॉर्ट दी गई है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इसको सीपी एंटर कर दें, सीपी एंटर करें और एक पॉइंट से उठाएं, जहां से भी आप उठाते हैं उठाएं इसको, उठा के आप काफी सारी जगहों पर कॉपी कर लें। अब जब आपने यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है तो आप इसको डबल क्लिक करें, आप सिर्फ इस एरिया को चेंज कर लें, यहां पे चेंजिंग करनी है यहां पे आप चेंज कर लें, देख सकते हैं। तो ये था आपके पास कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ काम था, तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।